नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन जॉब लाइन पर। और दोस्तों, रीट भर्ती 2019 को लेकर आज की बहुत ही बड़ी खबर आ गई है कि अगस्त के लास्ट वीक में आपके जो रीट भर्ती 2019 है उसका विज्ञापन आपके जारी किया जाएगा और आपके सितंबर के फर्स्ट वीक से आपके जो इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। साथ ही दूसरी बड़ी खबर ये भी है कि इस बार आपके रीट भर्ती 2019 का आयोजन न होकर आरटेट 2019 का आयोजन किया जाएगा। और इस बार आपके आरटेट का एग्जाम होने के बाद थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए आपके लिए अलग से एग्जाम करवाया जाएगा और जिसमें आपके ग्रेजुएशन के वेटेज भी नहीं जुड़ेंगे। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने बीएड कर रखी है वो आरटेट लेवल फर्स्ट और आरटेट लेवल सेकंड दोनों का एग्जाम दे सकेंगे और जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है वो आरटेट लेवल फर्स्ट का एग्जाम दे सकेंगे। तो ऑफिशियल न्यूज पर चलने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो घंटी का आइकन है उसे आप जरूर दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों, हमने आरटेट भर्ती 2019 के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम प्रत्येक अपडेट आपको देते रहते हैं। इसके अलावा हमने हमारे फेसबुक पेज का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी हम प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आज के राजस्थान पत्रिका सीकर की न्यूज है दोस्तों कि रीट के जरिए होती है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, दो लेवल में होती है शिक्षक पात्रता परीक्षा, प्रदेश में कब होगी रीट। सरकार अब तक पिछली रीट के जरिए हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लंबित मामलों में उलझी हुई तो प्रदेश में रीट भर्ती परीक्षा की मांग भी उठने लगी है। बेरोजगारों का कहना है कि सीटेट सहित अन्य शिक्षक पात्रता परीक्षाओं का आयोजन जो है वो हर साल हो रहा है, ऐसे में सरकार को इस साल भी पात्रता परीक्षा का आयोजन करना चाहिए। और बीएड व बीएसटीसी प्रशिक्षित युवाओं का कहना है कि सरकार को हर साल शिक्षक भर्ती का फॉर्मूला सरकार को लाना होगा, इससे भर्तियों के सिस्टम में भी पारदर्शिता आएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर तृतीय श्रेणी प्रथम व द्वितीय लेवल में शिक्षकों की नियुक्ति होती है, अतः इस मामले में बेरोजगारों का प्रतिनिधि मंडल शिक्षा राज्य मंत्री से भी मुलाकात करेगा। प्रदेश में अब तक 4 बार रीट परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार 31 जुलाई 2011, 9 अक्टूबर 2012, 7 फरवरी 2015 और 11 फरवरी 2018 को रीट परीक्षा का आयोजन हुआ था। इन परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर शिक्षक भर्ती हुई है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही भर्तियों का पैटर्न भी बदल जाता है और पिछले 15 सालों की बात करें तो पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का आयोजन हुआ था और इसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू होने के बाद जिला स्तर पर रीट के बाद परीक्षाओं का आयोजन हुआ। पिछली कांग्रेस सरकार की यह भर्ती काफी विवादों में रही थी और इसके बाद भाजपा ने रीट व बीएड के अंकों के आधार पर भर्ती करवाई। यह फॉर्मूला भी न्यायालय में काफी दिनों तक उलझा, लेकिन अब अधिकतर विद्यार्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है। अब कांग्रेस सरकार इसी मंथन में जुटी है कि अब कौन से पैटर्न से शिक्षक भर्ती का आयोजन करवाया जाए। वहीं आप देख सकते हैं कि रीट के बाद एक और परीक्षा की मांग, तो शिक्षक भर्ती के लिए अलग से आरपीएससी के माध्यम से परीक्षा आयोजित करवाने की मांग युवा कर रहे हैं। कई जिलों के युवाओं का कहना है कि पहले की तरह 60% राजस्थान का सामान्य ज्ञान जोड़ा जाए और उसकी मेरिट जो है प्रदेश स्तर पर जारी की जाए। पात्रता परीक्षा में भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, विधवा महिलाओं को छूट का प्रावधान इसमें शामिल किया जाए। आगे देखें सरकार का गणित, हर रीट से बचत। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा फायदे का सौदा ही साबित हुई है। इस परीक्षा में औसतन 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, ऐसे में बोर्ड को आर्थिक तौर पर हेल्प मिलती है और दूसरी तरफ रीट पास अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने से इनमें निजी क्षेत्र में भी अच्छे अवसर मिल सकेंगे, इसलिए होनी चाहिए हर साल रीट की परीक्षा। यह हर साल औसतन 80,000 से अधिक विद्यार्थी जो हैं बीएड व बीएसटीसी अंतिम वर्ष की परीक्षा पास कर शिक्षक बनने की कतार में शामिल होते हैं। इनमें से अधिकतर रीट के पेपर पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं होती है,
ऐसे में पहली बार में अच्छा स्कोर कर पाना काफ़ी चुनौतीपूर्वक काम होता है। तो ऐसे युवाओं का कहना है कि हर साल आपके रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिल सके और अगली बार वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसके अलावा दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारे Facebook पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।